नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी अगले हफ्ते में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में अगले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करेंगे। कमोडिटी मार्केट में बाजार को समझने के साथ साथ रणनीति बनाना भी बेहद जरूरी है, बात चाहे सोने चांदी की हो, बेस मेटल्स की या फिर एग्री कमोडिटी की। ट्रेडिंग की बारीकियों को समझने से जोखिम तो कम होता ही है, आपके लिए मुनाफे के रास्ते भी खुल जाते हैं। इस हफ्ते कमोडिटी बाजार के अनुभव के आधार पर अगले हफ्ते की शानदार ट्रेडिंग की रणनीति बनाने में हमारे एक्सपर्ट्स आपकी पूरी मदद करेंगे, जिसके लिए ये शो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कमोडिटी अगले हफ्ते, और आज हमारे साथ चार मेहमान हैं जो आपको आपकी रणनीति बनाने में मदद करेंगे। हमारे साथ भूपेश शर्मा है, बीकानेर से टेक्निकल एक्सपर्ट है, रविंद्र राव हैं, वीपी हेड कमोडिटीज रिसर्च है कोटक सिक्योरिटीज से, साथ ही जाने माने एग्री एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा भी आगे हमारे साथ होंगे, और कुणाल सोधानी भी होंगे जिनसे हम करेंसी मार्केट का व्यू लेंगे सिन्हम बैंक से। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि ये हफ्ता गोल्ड सिल्वर के लिए कमजोर रहा है, लेकिन क्या अगले हफ्ते यहाँ पर तेजी लौटेगी, खरीदारी लौटेगी? रविंद्र जी, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले गोल्ड में बताइए, 60,000 के नीचे क्या गोल्ड की खरीदारी समझदारी आपको दिख रही है? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी, मेरे हिसाब से गोल्ड में थोड़ा सा वीकनेस कंटिन्यू है। जो यूएस डेट सीलिंग को लेके जो ऑप्टिमिज्म है, आई थिंक उसके चलते गोल्ड में एक प्रेशर बना हुआ है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि यूएस डेट सीलिंग का स्टोरी जो अभी अभी शुरू हुआ है, और वो एक बार जो उसका नतीजा निकलेगा, आई थिंक उसके बाद आई थिंक फोकस फिर से एक बार मॉनेटरी पॉलिसी और फेड के ऊपर चला जाएगा। और एक्सपेक्टेशन यही है कि जून में इंटरेस्ट रेट पे एक पॉज लगने वाला है। हालांकि जो कुछ दिन पहले जो एक्सपेक्टेशन था, विच वॉज अराउंड 93-94% की पॉज आएगा, वो अभी थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि यूएस से जो डेटास निकल के आए हैं थोड़े से एनकरेजिंग थे। रिटेल सेल्स के डेटा अगर देखे, कल के जो फिलाडेल्फिया फेड इंडेक्स डेटा देखे, तो ये सारे डेटा, जॉबलेस क्लेम्स के डेटा थोड़े से बेटर आए हैं। तो डेटा कहीं ना कहीं फेड ने ये इंडिकेट किया है कि जो आगे का फेड का अप्रोच होगा वो डेटा ड्रिवन अप्रोच होगा। तो अगर डेटा पॉजिटिव आते हैं तो दैट गिव्स मोर रूम फॉर फेड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स। तो मेरे हिसाब से वही मार्केट में अभी ट्रेड हो रहा है, और उस वजह से ही गोल्ड में एक प्रेशर बना हुआ है। नेक्स्ट वीक जो वीक है, वो वीक में एफओएमसी की मिनट्स है। मिनट्स में हमें लगता है कि फिर से यही निकल के आएगा कि इकोनॉमी को थोड़ा सा स्टेबल रखने के लिए दे नीड टू गो फॉर अ पॉज, और हो सकता है कि वो गोल्ड को सपोर्ट कर जाए। लेकिन उसके पहले पॉसिबिलिटी है कि कॉमेक्स गोल्ड जो है वो 1940 से लेके 1945 के रेंज में एक बार पॉसिबिलिटी है आने की, जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है, क्योंकि $1970 का जो सपोर्ट था वो काफी क्रूशियल था, 1974 टू प्रिसाइज, और प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी जो कि एक महीने से होल्ड किया हुआ था मार्केट, बट उसके नीचे आ चुका है, पॉसिबिलिटी है कि एक 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 फॉल आ सकता है टुवर्ड्स 1940-1945 तक। वहां से पॉसिबिलिटी है कि एक बार एक रिवर्सल आ सकता है, लेकिन अगर $2,000 के ऊपर प्राइसेस जाता है तो फिर मेरे हिसाब से वी कैन कॉल इट एज अ टेंपरेरी बॉटम, और प्राइसेस फिर से ऊपर जाएगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बायस ऑन द डाउनसाइड है, एक बार ही एक नीचे का डिप देगा। अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 59,400 से 59,200 तक के लेवल से एक बार पॉसिबल है, विच आई थिंक इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ वीकली पर्सपेक्टिव, और फिर वहां से एक बार फिर से हम 59,800 से लेके 60,000 तक का लेवल देख सकते हैं। तो आई थिंक पहले थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद लोअर लेवल से बाइंग आ सकती है गोल्ड। हमने एक पोल भी किया था, और कई सारे एक्सपर्ट से, कई ब्रोकर्स से हमने जानने की कोशिश की थी, देश के बड़े एनालिस्ट से, कि अगले हफ्ते जो गोल्ड का, सिल्वर का, क्रूड का और करेंसी मार्केट का किस तरह का रेंज रह सकता है, उसके अनुमान क्या निकल कर आ रहे हैं अगले हफ्ते के लिए। जो सोने का दायरा है वो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है कि 59,200 से 61,000 का दायरा रह सकता है अगले हफ्ते के लिए। हालांकि ये प्लस माइनस भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक जो एक पोल था उसका रेंज यही निकल कर आ रहा है। चांदी का अगले हफ्ते का हमने दायरा जानने की रणनीति बनानी है, उसके लिए हमने ये पोल निकाला था। हमारे साथ भूपेश जी भी है, कुणाल सोधानी जी भी है। भूपेश जी, सबसे पहले गोल्ड पर आपका व्यू जानना चाहेंगे, आप क्या सलाह देंगे, 60,000 के नीचे क्या गोल्ड खरीद लेना चाहिए?
जी सर नमस्कार। गोल्ड खरीदना चाहिए विश्वम जी अभी, और मेरे को लगता है कि 5,59,500 के आसपास गोल्ड मिलता है, या 5,59,600 के आसपास गोल्ड मिलता है तो लेना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 5,59,350 का रहेगा। और मुझे लगता है कि अगले आने वाले हफ्ते में गोल्ड 60,050, 60,250 और 60,850 तक के लक्ष्य अपसाइड में देखे जा सकते हैं। और वहीं इंटरनेशनल गोल्ड की कॉमेक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड नीचे में 1937 डॉलर के आस पर जाकर एक अच्छा पुल बैक रैली दिखाना चाहिए, जिसमें भाव 1980 और ऊपर में 2,001 डॉलर तक के देखे जा सकते हैं। चलिए अब गोल्ड के बाद अब बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की, क्योंकि करेंसी मार्केट के लिए भी यह हफ्ता काफी कमजोरी भरा रहा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन डॉलर के मुकाबले रुपया 82.79 रुपए के लेवल पर चला गया। लेकिन अब सवाल है अगला हफ्ता करेंसी मार्केट के लिए किस तरह का रहेगा, क्योंकि जिस तरह से ट्रेड डेफिसिट को लेकर कंसर्न है, क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से यहाँ पर एक्सपोर्ट में स्लोडाउन देखने को मिल रहा है भारत से, साथ ही आरबीआई के रुख में भी नरमी देखने को मिली, तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं। साथ ही डॉलर में तो मजबूती जारी है ही, डॉलर इंडेक्स तो मार्च मिड के ऊपरी लेवल के ऊपरी लेवल के आसपास चला गया है। कुणाल जी क्या आपको लग रहा है किस तरह की चाल अगले हफ्ते के हिसाब से बता दीजिए, इस हफ्ते तो जो हुआ सो हुआ, अगले हफ्ते किस तरह का रेंज रहेगा और कौन से ऐसे ट्रिगर होंगे अगले हफ्ते जो रुपए में और रुपए को और भी कमजोर कर सकते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें अगले हफ्ते के लेवल्स की, तो मुझे लग रहा है कि 83 छूना थोड़ा सा उतना इजी नहीं होगा, बिकॉज अगर कंसिडरिंग हम पिछली बारी जब ऐसे हमने लेवल्स देखे तो कहीं ना कहीं हमारे जो एफएक्स रिजर्व्स है अराउंड 599 बिलियन डॉलर्स है, एंड आरबीआई कहीं भी एक्सेस वॉलिटिलिटी देखता है तो थोड़ा सा इंटरवेंशन उनकी तरफ देखा जाता है। जो लोग 83.30 की बात कर रहे हैं वो इसीलिए बिकॉज इंट्राडे हाई डॉलर रुपी का 83.29 था, इसीलिए वहां तक डेफिनेटली एक स्कोप बनता है। बट जो कैश डॉलर शॉर्टेज थी मार्केट में, वो मुझे लग रहा है आज थोड़ी रिवर्स होती दिखी, क्योंकि अगर हम जब कैश टॉम या ओवरनाइट लेवल्स देखते हैं जिससे फॉरवर्ड प्रीमियम भी डिफाइन होते हैं, तो वो काफी नीचे खुले थे। और ये कैश शॉर्टेज हो क्यों रही थी, बिकॉज अगर हम एफआईआई एफपीआई फ्लोज की बात करें इंडिया में, तो हम पॉजिटिव रहे 5.3 बिलियन डॉलर के हिसाब से। ट्रेड डेफिसिट नंबर्स हमने देखे 17 मंथ लो पे हैं, वो भी एक पॉजिटिव रहा आईएनआर के हिसाब से। ब्रेंट क्रूड प्राइसेस भी स्टेबल है, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए आईएनआर के हिसाब से। बट फिर भी डॉलर रुपये ऊपर क्यों चला गया, इज बिकॉज वहां पे डिमांड सप्लाई का मिसमैच रहा। जो आरबीआई की तरफ से स्पॉट इंटरवेंशन थे, जो स्पॉट परचेजेस थे, वो 16 बिलियन डॉलर के थे इस फिस्कल ईयर में, और जो इनफ्लो देखा गया वो 5.3 बिलियन डॉलर का था। सो नेट नेट जो डिफरेंस डिमांड सप्लाई में क्रिएट किया, इसीलिए मार्केट में कैश डॉलर शॉर्टेज हो गई, जिस वजह से ये डॉलर रुपी ऊपर चला गया। दूसरा रीजन ये कि अगर फॉरवर्ड्स यहाँ से वापस पिकअप करना शुरू कर दें, तब भी एक कैरी ट्रेडर्स और एक एक्सपोर्टर्स के लिए एक लीवे बनता है ऊपर के लेवल पे हेज करना, जो ये अच्छे लेवल्स है जितने भी एक्सपोर्टर्स से हम भी बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक सेंस बनता है कि 82.60 से 83 के बीच में काफी एक्सपोर्टर्स भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर रहे हैं, बिकॉज प्रीमियम्स भी अराउंड 1 ईयर के अराउंड 2% या 1.98% के हिसाब से आ गया है। दूसरी चीज, अगर ग्लोबली मैं बात करूं तो डॉलर सीएनएच वापस कूल ऑफ होने लगा। जो चाइनीज युआन है आज 7.07 तक गया था, थोड़ा वर्बल इंटरवेंशन देखा गया और 7.01 तक आ गया। डॉलर इंडेक्स कंसोलिडेट करता दिखाई दे रहा है, एंड कोई मेजर ऐसे क्यूज नहीं दिख रहे। फेड ट्रेजेक्ट्री हमेशा से हॉकिश रही है, इसीलिए शायद रेट कट से वापस से 30% यूएस फेड फंड फ्यूचर्स रेट बता रहे हैं कि एक रेट हाइक हो सकती है जून महीने में। सो बट ये फैक्टर्स उतने ज्यादा डिटरमाइनिंग नहीं है डॉलर रुपये को एक साथ ऊपर ले जाने में। सो ऑल इन ऑल मुझे लग रहा है कि 82.30 82.40 एक अच्छा सपोर्ट बनता है, बट 83 इटसेल्फ ब्रीच करना थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लगता है। मैं 83 के ऊपर फिलहाल उतना इजीली जाते नहीं देख रहा। इसके ऊपर इतना ऊपर 83 के ऊपर जाता हुआ आप नहीं देख रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर 83 के ऊपर अगर जाता है तो आरबीआई भी यहाँ पर इंटरव्यून कर सकता है और रुपए को सपोर्ट कर सकता है। चलिए कुछ और अब बात कर लेते हैं, कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चा तेल हालांकि इस हफ्ते तेजी दिखी, करीब करीब हफ्ते भर में 3% तक की तेजी दिखी, लेकिन अगले हफ्ते की चाल क्या रहेगी? रविंद्र जी क्या लग रहा है कच्चे तेल को लेकर? और एक सवाल भी था जमील भाटी का चूरू राजस्थान से, उनका सवाल क्रूड और एनजी दोनों में है कि किस तरह की, क्या खरीदे कच्चा तेल या बेचे, और नेचुरल गैस पर भी उनका सवाल है कि इस काउंटर में भी क्या करें। इन दोनों सवालों का जवाब एक साथ दे दीजिए रविंद्र जी। बिल्कुल। क्रूड क्रूड मैं पहले बताना चाहूंगा। क्रूड में अगर देखें तो क्रूड
क्रूड में एक सपोर्ट आ रहा है लोअर लेवल्स पे, जो मैं पिछले वीक में भी कहा था कि 64-65 डॉलर का जो सपोर्ट है वो अभी एक डबल बॉटम टाइप बन चुका है, और एक अच्छा पैटर्न था लास्ट वीक में जो कि एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न था, जिसके वजह से क्रूड में हमने एक अपमूव देखा है। प्लस थोड़े से सपोर्टिंग फैक्टर भी है, गैसोलीन की जो इन्वेंट्री है वो ड्रॉप हुई है और ये लगातार ड्रॉप हो रही है, इंडिकेटिंग डिमांड यूएस से आउटपुट भी थोड़ा सा कम हुआ है, वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। प्लस जो यूएस डेट सीलिंग की ऑप्टिमिज्म है, आई थिंक दैट इज पुशिंग ऑल इकोनॉमिकली सेंसिटिव कमोडिटी, जिसके वजह से हमने बेस मेटल्स में भी एक अपमूव देखा है, प्लस ऑयल में भी एक अपमूव देखा है। हमें लगता है कि अपमूव कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट वीक में भी, क्योंकि टेक्निकल पैटर्न्स आर क्लियरली इंडिकेटिंग कि एक बार 6,200 से 6,250 तक के लेवल्स पॉसिबल है, और अगर नाइमिक्स क्रूड की बात करें तो नाइमिक्स क्रूड अराउंड 75.54 डॉलर तक जाने की चांसेस है। तो मेरे हिसाब से क्रूड में बाइंग साइड में रहना चाहिए, अगर क्रूड अराउंड 5,900 तक मिलता है तो इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, 5,740 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अपसाइड जो है वो अराउंड 6,200-6,250 तक ले सकता है। नेक्स्ट एनजी, एनजी में काफी अच्छा एक हमने कल एक अच्छा मूव देखा था, और हमें लगता है कि एनजी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, और हमें लग रहा है 240 तक के लेवल्स एनजी में पॉसिबल है, टेक्निकल बाइंग है, और अगर यहाँ से थोड़ा सा डिप मिलता है टुवर्ड्स 206, आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, 191 का स्टॉप होना चाहिए, और अपसाइड में 230 और उसके बाद 240 तक के टारगेट्स ले सकते। चलिए अब कुछ और सवाल जवाब ले लेते हैं। सुमन जैन है गंगानगर से, चांदी इन्होंने खरीद रखी है 72,200 रुपए पर, क्या करना चाहिए भूपेश जी इनको चांदी में? जी वैसे तो इन्हें चांदी इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे खरीदी है, परंतु इन्हें 71,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले वीक में चांदी 73,500 और उसके ऊपर निकलती है तो 75,100, 75,900 तक के भी भाव बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। एक सवाल सुनील का था दिल्ली से, भूपेश जी बताइए सोने में क्या नजरिया ये रखे, क्या करना चाहिए गोल्ड में इनको सुनील जी को? जी सोने में जैसा मैंने अभी बताया कि 59,500 से लेके 59,300 या 59,400 एक डिमांड जोन है सोने में, जो कि एमसीएक्स के भाव में दिखता है। मुझे लगता है कि इन भाव का सोना अभी मंदा नहीं होना चाहिए और यहाँ पर 59,200 का स्टॉप लॉस रहेगा और मार्केट को लेना चाहिए इन्हें, और अपसाइड में 60,000, 60,250, 60,900 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। अगले दर्शक है अशोक कुमार हैं राजस्थान से, गोल्ड सिल्वर और क्रूड तीनों पे रणनीति जानना चाह रहे थे। क्रूड पर तो आपने बता दिया था रविंद्र जी, गोल्ड सिल्वर की कॉल एक बार ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से तो आपने बता दिया था, लेकिन गोल्ड सिल्वर में अगले हफ्ते के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दीजिएगा इनको। मेरे हिसाब से गोल्ड में अगर 59,200 तक आता है तो एक बार बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि वहां तक एक बार पॉसिबिलिटी है आने की, और अपसाइड मेरे हिसाब से फिर से एक बार 59,800 से 60,100 तक जा सकता है। सिल्वर में हम देख रहे हैं कि अच्छा सपोर्ट ले रहा है मार्केट, 72,000 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो मेरे हिसाब से 72,000 से 71,500 वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अपसाइड फिर से एक बार 73,800 से 74,000 तक के लेवल दिख सकते हैं, और जो जो छोटे ट्रेडर्स हैं, आई थिंक जो जिनको शॉर्ट टर्म के लिए करना है, उनका जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड 70,000 के आसपास होगा। लेकिन अगर किसी को लॉन्ग टर्म, आई वुड से मीडियम टर्म बाइंग करना है, तो मेरे हिसाब से 71,000-72,000 का बाइंग होगा और 67,000 के स्टॉप लॉस होगा। ओके क्रूड में भूपेश जी आप क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए इनको अशोक जी को क्रूड में? जी सर, क्रूड क्रूड बाय द जून की बात करेंगे तो क्रूड बाय द जून मेरे को 5,980 से लेके 5,960 के मध्य लेना समझ आता है, जिसमें 5,930 का शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में मुझे लगता है कि 6,050 और 6,130 के लक्ष्य देखे जा सकते हैं आने वाले बुधवार तक। क्रूड पर हमने एक बात एक खास बातचीत भी की थी, S&P ग्लोबल कमोडिटी इंसाइट्स के प्रेसिडेंट हैं डेनियल इवांस, उनसे क्रूड को लेकर हमने चर्चा की, उनसे जानना चाहा कि 2023 में और अगले महीने किस तरह की चाल रह सकती है। तो उनका कहना यही था कि 2023 की मांग में रिकवरी पूरी तरह से 60% तक चाइना एक बड़ा फैक्टर वहां पर प्ले करेगा, 60% जो रिकवरी होगी 2023 की वो चीन से आएगी, और अगले महीने एक सीजनल डिमांड की वजह से क्रूड कीमतों में तेजी आ सकती है, और उन्होंने क्या कहा आइए सुन लेते हैं। The key uncertainty is really what happens with Chinese demand
In our view is that we'll get about 2.2 million barrels a day of demand growth this year, of which 60% is coming from China. So if that if China underperforms, if there is the potential for demand to be less than expected and to create more more looseness in the crude oil market. But overall, I would say what we're expecting to see for the coming months is that as seasonal demand picks up, there will be an inventory draw, and that will be supportive of oil prices. So we're expecting upward momentum in oil prices before we start to see stock builds again in the fourth quarter and into the first half of next year, which will bring some softening again on the price. यानी S&P Global Commodity Insights को लगता है कि कच्चे तेल में अगले महीने एक तेजी आ सकती है, लेकिन उनका ये भी कहना है जो यहाँ पर डिमांड में जो रिकवरी आएगी उसमें चाइना एक मेजर प्लेयर होगा, क्योंकि वहाँ की रिकवरी को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी काफ़ी कुछ चल रही है. देखते हैं वहाँ से किस तरह की डिमांड रहती है, वो क्रूड के लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है. चलिए कुछ और सवाल जवाब ले लेते हैं. मंजीत सिंह हैं राजस्थान से, कॉटन में क्या करना चाहिए? और एक और सवाल है दिलीप चौहान का, उनका भी सवाल कॉटन पर ही है, लेकिन उनका सवाल है कि गिरावट कब तक जारी रहेगी? रविंद्र जी, काफ़ी समय से एक दायरे में ही घूम रहा है, जिस तरह की तेजी पिछले साल लोगों ने देखी थी, किसानों ने काफ़ी माल होल्ड कर रखा है, क्या लग रहा है कब तक तेजी की उम्मीद करें जिन्होंने माल रोक रखा है? लेकिन अभी महाराष्ट्र से खबर ये भी आ रही है कि अब आवक भी वहाँ पर काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, उन लोगों ने काफ़ी इंतजार कर लिया. ऐसे में भाव को लेकर आपका अनुमान क्या है कॉटन में? अगर इंटरनेशनल प्राइसेस देखें, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस एक दायरे में है, अगर प्राइसेस देखें तो अराउंड 87 से लेके लोअर लेवल आई वुड से 82 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है मार्केट. और अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार अगर 87-88 के ऊपर सस्टेन करता है इंटरनेशनल आईसी कॉटन, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये 92 से 96 तक के लेवल देख सकता है. मेरे हिसाब से 6 महीने से प्राइसेस सिंस अक्टूबर 2022 प्राइसेस एक बहुत ही नैरो कंसोलिडेशन में है, और जब भी प्राइसेस एक नैरो कंसोलिडेशन में जाता है फॉर मंथ्स, वो एक इंडिकेशन है कि वहां से हमें जब भी एक ब्रेकआउट मिलेगा, आइदर अपसाइड और डाउनसाइड, एक शार्प मूव आ सकता है. और ये जो ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है, और प्लस प्राइसेस 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी है, तो मेरे हिसाब से 87 के ऊपर अगर सीटी जो आईसी कॉटन है अगर वो निकल जाता है, तो फिर एक अच्छी खासी तेजी कॉटन में हम देख सकते हैं. चलिए कॉटन के बाद अब हम मसालों की बात करेंगे और ग्वार की. हमारे साथ पुखराज चोपड़ा भी हैं, एग्री एक्सपर्ट है जाने माने राजस्थान से. सर स्वागत है आपका पुखराज जी, आपने वक्त दिया हमें. सबसे पहले जीरे की बात कर लेते हैं. सर जीरे की तेजी अचानक से अब कम होती दिख रही है, रिकॉर्ड से देखिए तो करीब करीब 5000 रुपए भाव नीचे आ चुका है, और अब खबर आ रही है कि एक्सपोर्ट डिमांड अब कम होते जा रहे हैं, घरेलू बाजार में जो दाम है वो इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले उतने कॉम्पिटिटिव नहीं है. क्या लग रहा है किस तरह की चाल रहेगी आगे जीरे की? देखिए विश्वमोहन जी, जिस चीज की शॉर्टेज होती है उसमें फास्ट तेजी बनती है, तो जीरा में यही हुआ, शॉर्ट फसल थी, फास्ट तेजी बन गई, तो फास्ट तेजी का ये रिएक्शन आना ही था. जितनी फास्ट तेजी आई उसमें से कुछ घटना था, तो बाजार निश्चित रूप से कुछ घटा, घटके वापस 1500-2000 रुपए कवर हुआ. सीरिया की जहां तक बात है, सीरिया कोई बड़ी फसल नहीं होती है विश्वमोहन जी, सीरिया छोटी फसल है, और जहां तक सीरिया से ट्रेड है वो थोड़ा उलझन भरा है. तो अभी इन दिनों में एक तो सीरिया की फसल की बात आ रही है, दूसरी लिक्विडिटी का क्राइसिस है, और तीसरे में लोगों में जब इस तरह की मंदी चलती है एक साथ तो एक घबराहट बनती है. तो अगले सप्ताह में हम ये देखेंगे कि इसके अंदर घबराहट खत्म होके फिर से ये एक नॉर्मल रूप से सामान्य रूप से इसका वायदा चलने लगेगा. अभी तो ये असामान्य गतिविधियां हो रही है कि एक ही दिन में 2000-2500 रुपए घट जाना और फिर एक ही दिन में 2000-2500 रुपए बढ़ जाना, ये फंडामेंटल से तो कोई संकेत मिलता नहीं है. वायदा के अंदर लिवाली और बिकवाली ये सिर्फ इसी का खेल है, उसके अलावा ये कुछ है नहीं विश्वमोहन जी. सर एक बिल्कुल लिंक करके चलना तो दुनिया के किसी भी मार्केट में नहीं होता कि हाजिर से पर डे हर दिन के हिसाब से, हर मिनट के हिसाब से आप लिंक करके वायदा को ले जाए हाजिर बाजार को, लेकिन एक ब्रॉडर पिक्चर अगर आप देखें तो वो तालमेल होना चाहिए. क्या उस तालमेल की भी कमी आपको जीरे में दिख रही है कि बिल्कुल विपरीत चल रहा है ये फंडामेंटल्स के? सर देखिए फंडामेंटल के हिसाब से अभी सही चल रहा है, और जीरे के अंदर मंदी की गुंजाइश बहुत कम है,
जहां तक आपने कहा कि ये फंडामेंटल में की तरह वायदा व्यवहार नहीं करता है, मैं मानता हूं इस बात को। इस बात का फर्क 100, 200, 300 रुपए का आ सकता है, पर 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए का यदि चेंज होता है तो वो विश्व मोहन जी सोचने लायक बात है। जो वायदा का व्यापार करता है उसके लिए ये गंभीर बात है, क्योंकि एग्री का जो आदमी फ्यूचर करता है वो 1000-2000 की तेजी मंदी के अंदर तो उसको निकलना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, तो फिर से नई एंट्री करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके अंदर जो गड़बड़ है वो असामान्य है, ये मानते हुए भी कैसे रोक कि सकते फंडामेंटल जितना घटता है उतना जीरा ये फ्यूचर नहीं घटता, और फ्यूचर जितना बढ़ता है उतना फंडामेंटल में नहीं बढ़ता है, पर उसका एक साथ तो होना चाहिए, उसने इस साथ को छोड़ दिया है। निकट भविष्य में हम जीरे के अंदर मंदी का ट्रेंड नहीं देखते हैं, फसल 50 लाख के अंदर है और खपत 72 लाख बोरी की है, ये धीरे 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 गेचुअली अपने आप ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और अपने आप इस लाइन पे आ जाएगा जब व्यापार में स्थिरता आ जाएगी। दूसरी बात है कि आम सामान्य कारोबारी इस ट्रेड के अंदर अब नहीं है, सामान्य कारोबार एग्री का ट्रेड करने वाला व्यक्ति यदि 40-50 हजार रुपए लोड का नफा नुकसान होता है तो उससे अलग हो जाता है, और यही जीरे के साथ हुआ है कि सामान्य कारोबारी है वो जीरे के अंदर ट्रेड नहीं कर रहा है फ्यूचर का। अब सर कोरिएंडर की बात कर लेते, फिर आखिर में एक और सवाल मैं आपसे करूंगा कोरिएंडर को लेकर। एक महीने तक जो चीन की मांग थी वो काफी अच्छी दिख रही थी, अचानक से इसकी मांग भी कमजोर है लग रहा था। अब रूस से भी जो रिपोर्ट आ रही है वहां भी मांग नहीं है कोरिएंडर की, क्या लग रहा है धनिया में क्या हो रहा है, धनिया में कब तक बड़ी तेजी की उम्मीद करें, काफी समय से 7 हजार के नीचे है। देखिए आपको याद हो तो कोरिएंडर मैंने आप ही के चैनल पे आप ही के सवाल पे ये कहा था, जब 6700 रुपए के भाव थे मैं 7000 रुपए ऊपर में जा सकता है, नीचे में 6500 रुपए हो सकता है, इसके इर्द गिर्द ही चलेगा। इसके अंदर यदि कोई तेजी मंदी की बात आएगी तो अगस्त के बाद में आएगी, उससे पहले इसकी फसल अच्छी है, फसल अच्छी होने की वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आ रहा है, ये काफी लंबे समय से इन्हीं भावों के आसपास घूम रहा है और उम्मीद है कि आगे भी ये इन्हीं भावों के आसपास घूमेगा विश्व मोहन जी। मतलब कुछ समय तक अभी दायरे में ही रहने वाला है। अब बात अब कर लेते हैं सर ग्वार की, ग्वार भी काफी दायरे में ही घूम रहा है, हालांकि इस साल 2023 में ईयर टू डेट अगर देखें तो करीब करीब 12% की गिरावट तो आ चुकी है, लेकिन काफी समय से ब्रॉडली आप ब्रॉडर आप देखें तो एक दायरे में ही है ग्वार सीड और ग्वार गम, क्या हो गया है ग्वार को सर? देखिए ग्वार के अंदर ग्वार हमेशा मौसम के साथ साथ चलता है, मौसम की कोई भी भविष्यवाणी आती है तो ग्वार रिएक्ट करता है। ये 2023 का साल ऐसा रहा है विश्व मोहन जी, जहाँ स्काईमेट ने अल्लिनो की बात को बोला, IMD ने भी अल्लिनो की बात को बोला, स्काईमेट ने सामान्य से कम बरसात का मानसून का बोला, IMD ने सामान्य का बोला, पर गवार ने कहीं भी इसको रिएक्ट नहीं किया। ये इसको रिएक्ट नहीं करना आप ये समझते ये गवार के लिए, हम लोगों के लिए ये नई घटना है। जब हम देखते हैं कि मौसम की बात पर भी गवार रिएक्ट नहीं करता, हम मानसूनी समय के अंदर ग्वार को ग्वार का ट्रेड ग्वार का फ्यूचर नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं मानसून का फ्यूचर है ये, अब ये ट्रेड बरसात का हो गया है तो इसका रिएक्शन नहीं करना ये अजीब सी बात है। और उस अजीब में भी ये है कि जब ये 3-4 महीने से 200 रुपए तेजी 200 रुपए मंदी के अंदर चल रहा है तो लोग क्या होते हैं दूसरी चीजों में शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे कोई कॉटन में शिफ्ट हो गया, कोई हल्दी में शिफ्ट हो गया, कोई धनिया में शिफ्ट हो गया, इस तरह से शिफ्ट होते जाते हैं। तो ग्वार में भी मंदी का कोई विषय या मंदी की कोई बात नहीं है, एक जो वेबसाइटों से और जिस तरह से समाचार मिल रहे हैं उससे ये तो माना जा सकता है कि अलनीनो का असर तो रहेगा, और अगर छे अलनीनो का असर सही रह जाता है या इसकी बात सही आ जाती है तो फिर ग्वार गम में मंदी की बात नहीं है विश्व मोहन जी। ओके यानी ग्वार गम में मंदी की बात। सर वक्त कम है, एक और सवाल आपसे मुझे पूछना है, जवाब छोटा रखिएगा। सर आप बात कर रहे थे कि वायदा से तालमेल नहीं है तो क्या करने की जरूरत है, आपके पास भी काफी अनुभव है, उनके पास जो टूल्स है मौजूद टूल्स है किस टूल्स का इस्तेमाल करें कि फंडामेंटल्स के साथ साथ चल सकता है वायदा? देखिए इससे पहले तो बहुत सारी चीजें और है देखने के लिए, जैसे अभी इस सबका सौदा लॉन्च किया, इस सबका सौदा चल नहीं रहा है, उससे पहले भी बाजरा है मक्का है जो है ये सौदे चल नहीं रहे हैं। अब इन सौदों के अंदर जैसे ये सॉफ्टवेयर की ट्रेडिंग होती है या नाजायज गड़बड़ होती है तो इस पे जो एक्सचेंज की नजर होती है, जो मार्केट वॉच वालों की नजर होती है, वो नजर होनी चाहिए और पारदर्शी तरीके से इसको सामने भी आना चाहिए कि ये जांच में ये पाया गया
या किन किन आईडी से किस तरह से इसकी तेजी मंदी की जा रही है, तो ये बातें जैसे जैसे सामने आएगी वैसे वैसे ट्रेडर का भरोसा उसके अंदर बैठेगा, फिर ये फंडामेंटल को फॉलो करते हुए चलेगा। अभी तो फंडामेंटल को वायदा फॉलो नहीं कर रहा है, वायदा को फंडामेंटल फॉलो कर रहा है। यदि जीरा आपका 2000 रुपए बढ़ गया तो हाजिर स्पोर्ट पे भी 2000 रुपए बढ़ जाएंगे, आपका इसको फ्यूचर यदि 2000 घट गया तो स्पोर्ट में भी 2000 रुपए घट जाएंगे, तो ये संभावना है। तो वायदा में इसलिए बनी रहती है कि आप यहाँ पे 300 नोट 400 नोट या 200 नोट का एक तरफा बिकवाली करते हैं तो बाजार घट जाता है, एक तरफा लिवाली करते हैं तो बाजार बढ़ जाता है, तो ऐसा रिएक्शन तो फंडामेंटल में आता नहीं है। तो वो रिएक्शन किस तरह से हुआ और क्यों हुआ इसको देखने की जरूरत है। तो सेबी इस पे नजर रख सकती है और ये पता कर सकती है कि ये कहीं से कोई मैनुपुलेशन तो नहीं हो रहा है, जो इतनी बड़ी गड़बड़ चल रही है उसके पीछे कारण क्या है। ओके बिल्कुल सर, सवाल तो कई सारे थे, वक्त कम था, शुक्रिया आपने वक्त निकाला फुकरा जी और समय दिया और सारे ही एग्री कमोडिटी को तकरीबन आपने एनालिसिस की। रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, भूपेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही कुणाल आपने भी वक्त निकाला और करेंसी मार्केट की पूरी एनालिसिस। तो कमोडिटी अगले हफ्ते में, फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटीन और स्वदेश के लिए।